How old are you? I'm 20. 20? Yes. Yes. And you look beautiful. Me? Yeah. You are rich. Because no, I'm not rich. Like, no, traveling don't require a lot of money. Okay, so day one of Tajikistan. तो डे वन किसी भी कंट्री का हो जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए लगभग 2 दिन और आज पहला दिन है जब मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से, और बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमेशा पहले दिन के लिए, क्योंकि ये आपको जो फर्स्ट टच मिलेगा उस कंट्री का, फर्स्ट फील मिलेगा, वो आपको फर्स्ट डे पर ही मिलेगा और वो बहुत स्पेशल होगा। तो अभी मैं निकला हूँ, ये पीछे हॉस्टल रह गया मेरा, एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हॉस्टल है, और अभी यहाँ कुछ काम वाम चल रहा है, इसकी वजह से सड़क टूटी हुई है, और निकला हूँ मैं अभी कुछ थोड़े छोटे मोटे काम करने और पहली बार इस शहर को देखने, दुशांबे शहर। तो वैसे पहला दिन क्यों स्पेशल होता है? पहला दिन इसलिए स्पेशल होता है कि जब आप निकलते हो तो आपको एक नए तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, नए तरीके के घर देखने को मिलेंगे, और नए तरीके की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बेस्ट डे मेरा किसी कंट्री का वो पहला दिन ही होता है, क्योंकि उसमें इतनी एक्साइटमेंट होती है, आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता, और फिर आप निकलते हो, चैलेंजेस फेस करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को पाते हो, खाने की दुकान ढूंढना, कुछ भी करना। तो वैसे ही मैं अभी एक काम के लिए निकला हूँ, ये काम है मुझे अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कहीं भी बैकपैकिंग करने के लिए, कि पहले आपको चाहिए एक सिम कार्ड जिससे कि हम नेविगेट कर पाएँ, कहीं इधर उधर जाना है किसी और कंट्री में, किसी और लोकेशन पे जाना है, रिमोट जगह पे जाना है, तो एक सिम कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाईफाई नहीं मिलता है हर जगह पे, पेड़ आ गया बीच में तो वाईफाई नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें चाहिए होता है एक सिम कार्ड, और वही सिम कार्ड लेने मैं निकला हूँ अभी। तो यहाँ का कुछ ऐसा सिस्टम है, ये अभी एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, कुछ एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, और ये अभी मुझे मेरे हॉस्टल वाले ने दिया, इसके ऊपर कुछ रशियन में लिखा हुआ है, पता नहीं, और रशियन पढ़नी नहीं आती, बोलनी थोड़ी बहुत आती है लेकिन पढ़नी नहीं आती है। तो ये उसने बोला कि ये आपको दिखाना पड़ेगा, साथ में आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ का वीज़ा और पासपोर्ट, तो ये तीनों चीज़ें लेके निकला हूँ मैं। उसने बताया कि यहीं पास में ही है, हॉस्टल के पास में ही है, तो पहले एक सिम ले लेते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे इस कंट्री में फिरना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी वही मज़े ले रहा हूँ पहले दिन के, पहली कंट्री के, सड़क के बगल में चल रहा हूँ, नई नई गाड़ियाँ दिख रही हैं, नए नए टाइप के लोग दिख रहे हैं, ये बगल में एक स्कूल है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे स्कूल भी क्या हैरी पॉटर वाले स्टाइल में बना हुआ है भाई, ये देखो पूरी हैरी पॉटर वाली लुक आ रही है इसकी। पहले लुक में पास हो गया, सही लग रहा है यार, क्योंकि जब पहुंचा था तब तो अंधेरा था, जब यहाँ पे फ्लाइट से आया था तब तो अंधेरा था, तो इतना देख नहीं पाया था, और अब जाके पता लग रहा है। मैं तो सोचता था कि यार दुशांबे तजिकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा रिमोट कंट्री होगी, बहुत पिछड़ी कंट्री होगी, लेकिन नहीं, मे बी दुशांबे कैपिटल है, और शायद जिस पार्ट में मैं रुका हुआ हूँ अभी, दुशांबे का जो ये पार्ट है ये डेवलप्ड हो, सिटी सेंटर हो, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, जस्ट ये पता है कि सिम लेनी है, भैया ने बताया कि यहाँ दुकान है वहाँ से आपको सिम मिलेगा, तो सिम लेके ही थोड़ा सा पता लग पाएगा अच्छे से कि क्या है। बाकी सड़क वड़क अच्छी मेंटेन की हुई है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं सब तरफ पे, बढ़िया पेड़ वेड़ लगा रखे हैं सड़क की साइड में, लोग अच्छे होते हैं हमेशा यहाँ के, CIS कंट्रीज जितनी भी हैं यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, वेलकमिंग होते हैं, तो हमेशा आपको देख के स्माइल पास करेंगे। सही है यार, मर्सिडीज़ वगैरह ये वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उज़्बेकिस्तान में वो सिर्फ शेवरोले की गाड़ियाँ दिखती थी, कुछ इस टाइप की टैक्सी हैं यहाँ पे। यहीं कहीं बताया था उन्होंने, पहुँच तो मुझे लग रहा है मैं गया हूँ, उन्होंने बोला था कि एक स्क्वायर आएगा, वहाँ पे 4 आइडेंटिकल बिल्डिंग है। सॉरी जी, अभी आ गया था मैं गाड़ी के नीचे, अभी तुम्हारा शोल्डर ओवर ख़त्म हो गया था। उन्होंने बताया था कि 4 आइडेंटिकल बिल्डिंग होगी, उनमें से एक बिल्डिंग के नीचे दुकान है, मेगाकॉम लिखा होगा,
ये चार बिल्डिंग तो आ गई हैं, ये पीछे की तरफ चार बिल्कुल एक जैसी बिल्डिंग बनी हुई है। अब ढूंढता हूँ इसमें दुकान कहाँ पे है मेगा कॉम की। दिख तो गई है वहाँ सामने, सड़क पार करके उस साइड को दुकान दिख रही है, मेगा कॉम लिखा हुआ है वहाँ से मिलेगा सिम, वो लिखा हुआ है जेट मोबाइल मेगा कॉम। लेकिन ये सड़क पार करनी पड़ेगी यार, सही है ग्रीन हो रखी है यहाँ पे। एक्चुअली चाहिए गरीब कंट्री भी है लेकिन यहाँ पे रूल्स बहुत सही फॉलो करते हैं। जैसे सड़क पार करनी है तो ये पेडिस्ट्रेशन से ही पार करनी है, गाड़ियाँ देखो बढ़िया करके रुकी हुई हैं वहाँ पे। अपनी इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं से भी घुस गए और ऐसे हाथ दिया वही रेड लाइट है कि भाई रुक जा हमें निकलने दे पहले। ये बात अच्छी लगती है मुझे इन कंट्रीज़ में, एटलीस्ट जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये आ गई है सिम की दुकान, ये लिखा हुआ मेगा कॉम। थोड़ी सी रशियन पढ़ लेता हूँ। यहाँ से सिम कार्ड देखते हैं। हेलो सिम कार्ड, व्हाट डू यू नीड, वीजा एंड रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट। यू वांट टू बाय सिम कार्ड? या हाउ लॉन्ग डू यू स्टे हियर? फॉर अ मंथ। फॉर 1 month? मेबी मोर, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो यहाँ पे सिम कार्ड तो मिल गया है, मेगा कॉम का ही मिला है। 300 सोमानी लग रहे हैं, 300 सोमानी में अनलिमिटेड डेटा बोल रहे हैं, मतलब 20 GB वैसे डाटा, लेकिन सोशल साइट्स अभी फुल हो जाती है तो मेरे को मेनली यूट्यूब के लिए चाहिए होता है, तो आई थिंक वो उसमें कवर हो जाए। 300 सोमानी हो गए यानी कि 1800 इंडियन रुपीस अराउंड इतना हुआ। तो यहाँ पे एक ये दो लड़कियाँ हैं, इनमें से एक को इंग्लिश आती थी तो उसकी वजह से हेल्प हो गई, इतनी टेंशन हुई नहीं। हाउ कम यू स्पीक सो गुड इंग्लिश? हे, हाउ कम यू स्पीक सो गुड इंग्लिश? इट्स नॉट लाइक समथिंग, बट आई हैवंट सीन लाइक मेनी पीपल इन दिस एरिया, इन दिस इंडियन कंट्री। Not in only in Europe, before I was in Kyrgyzstan and Uzbekistan. So they are also very, very few people, they speak English. But I know, I think, because it's my favorite language. Favorite language. And where did you learn it? What? Where did you learn it? Language, English? In school or in college or in school? School, in, I, 2-3 years ago, mm-hmm. I had my teachers teach me it. I'll go everywhere, almost everywhere. Firstly, my plan is to go towards the east, towards the Karakul, Korog and Karakul. Karakul. Karakul, yeah. And I was here because it's hard. Mm-hmm. I don't like Korog along the way because I know this. Really, it's very, is it dangerous? It's And after that part, I'll be coming back to Dushanbe and then go towards the Khujan. Khujan, yeah. Go to visit the Khujan. But it's very nice, popular seat in our country. Lots of foreign impressions, foreign tourist purposes. You can visit Khujan. I personally like mountains, so Tajikistan will be the first. Yeah, in Tajikistan, first time, right? When you was ever. Sorry? For example, it's your first time in our country. Mm-hmm. Where you go to there after you? Where I go to? Where do you want to go to there after you? After Tajikistan, ah. After Tajikistan? No. I'll be like traveling for a year now. For one more year, I'll be traveling, so I'll be going to other countries, maybe Kazakhstan after this. Then to Russia. See, you are rich? No, no, I'm not rich. Like, no, traveling don't require a lot of money. Like, what we do is like backpacking, staying in hostels, and cooking food for ourselves sometimes. So it's not that expensive. Like, if I travel within India, I'll be paying the same amount of money which I'm paying here. So yeah, traveling in other countries, like in European countries or American countries, that's very expensive. That even I can't afford right now, maybe later on. But yeah, traveling here is okay.
It's only for my eating, to wear any clothing, for my new skin. How old are you? I'm 20. 20? Yes. And you look beautiful. Me? Yeah. And when this SIM card will be activated? Now, 4-5 minutes. 4-5 minutes. Oh, wow. It's like, not so very long. Okay. We're not excited. It's activity. In 5 minutes for you. Okay, before you have for intensive, we don't want to go to train abroad and say, oh, they hold the SIM cards away and it's together. I make videos of everything I do, so if you do something wrong to me, I'll tell the whole world. No, you will stay here for 1 month, yes? In Tajikistan, maybe more. But it's where I hope it's very interesting today. For example, I like to speak with foreign person, but who come here from abroad, it was very interesting when they are speaking with him. It was very nice for me in the future. Although we have our language is very very nice for chatting. For example, sometimes when I see any foreign person, it's always good to meet people and, you know, ask about their country or tell them about your country. So, Okay. This is the number. Okay. Here you have 9-digit number. What? 9 digits. Nine digits number. Yes. Yeah. In India we have 10 digits. 10 digits. Yeah. Bye bye. Spasiba. For all the help. एक साथ में एक और लड़की थी लेकिन वो भी चली गई बाय बाय बोल के, उसको कुछ काम था, तो इन्होंने बहुत हेल्प की, अच्छे से सिम मिल गया। अब थोड़ा सा खाने पीने की प्यास बहुत लगी, पहले पानी देखता हूँ और यहाँ की सुपर मार्केट पर जाता हूँ, आपके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें के क्या रेट हैं। नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ ये वाली बस भी चलती है, मैंने एक किर्गिस्तान में भी देखी थी, इसमें ऊपर वायर्स कनेक्टेड होती हैं इस पोल के थ्रू और इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। इसमें बड़ा ही फैसिनेटिंग ये लगता है कि ये टर्न कैसे काटती होंगी, तो कई बार इसको खड़ा होकर ये दिख रहता हूँ टर्न पे, मोड़ पे, कि ये मोड़ कैसे काट रही है, मोड़ के टाइम में इनका वो कैसे चेंज होता होगा, दिखाऊँगा किसी वीडियो में, इंटरेस्टिंग होता है वो वाली चीज़ भी। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये पीछे की तरफ जो बिल्डिंग थी इसमें थी वो मोबाइल शॉप, और इसके इधर जो बिल्डिंग है इसमें बताया कि एक सुपर मार्केट है। अभी सुपर मार्केट के अंदर चलते हैं और पानी लेता हूँ पीने का, कुछ और ड्रिंक लेते हैं पीने की, और ज़रा यहाँ के रेट चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ कितने की आती है। ये पीछे आ गई, ये एक सुपर मार्केट की एंट्री है। यहाँ कोई ऐसे बड़ा होर्डिंग नहीं लगाई होती, छोटा मोटा लिखा हुआ होता है, यहाँ लिखा हुआ है मार्केट समथिंग सुपर मार्केट। सुपरमार्केट नॉर्मली अपने जैसी ही हैं जैसे अपने वहाँ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क है। जैसे पेप्सी देखो, यहाँ पे पेप्सी मैंगो लाइम ऐसे ऐसे फ्लेवर्स में भी आती है यहाँ पे। भाई ये तो पहली बार देखी है, और इसका रेट है जैसे 7.40 सोमोनी, तो 6.42 अराउंड 50 रुपये की है एक लीटर, तो इंडिया से काफ़ी सस्ती हुई यार। गुड सॉरी А как фирма есть? Съемка. Турист. Турист? А. जैसे अगर चिप्स वगैरह देखें तो ये लेज वगैरह के पैकेट हैं सेम, ये भी 50-50 रुपए के आसपास हैं, लेकिन फ्लेवर्स यहाँ पे बहुत अलग अलग आते हैं, ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, रशियन में लिखा होता है समझ नहीं आता, कल ये फ़ोटो देख के पता लगाना पड़ता है, कोई क्रीमी फ्लेवर होगा शायद ये। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, रेट सस्ते ही हैं लगा लो काफ़ी चीज़ों के। लेज का तो महंगा होगा, ये 50 रुपये का, तो इंडिया में तो 25 रुपये का आता है,
तो कुछ चीज़ों का रेट महंगा है, कुछ चीज़ों का रेट महंगा होता है, लेकिन जैसे अल्कोहल सस्ता है यहाँ पे, यहाँ पीछे एक अलग से अभी कॉर्नर है, मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ सारे अल्कोहल के लगे हैं, वो सस्ते हैं। वॉडका बहुत सस्ती होती है। इंपोर्टेड चीज़ें फिर भी आपको नॉर्मल रेट पे मिलेंगी, इंडिया वाले रेट पे, लेकिन जो लोकल चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं। यहाँ के लोग योगर्ट बहुत खाते हैं, ये योगर्ट जैसे 20 रुपये की एक है, सही है, ओके रिपोर्ट है, बंदा लंबा टाइम जीना चाहे जी सकता है यहाँ पर आसानी से। दूध वगैरह का रेट देखते हैं, दूध है 8 रुपये, 8 सोमोनी, 8 68, 48, 50 60, अराउंड 55 रुपीज़ अ लीटर, ये भी सही है। अंडे देखते हैं, अंडे हैं जैसे 10 अंडे हैं 12 सोमोनी के, 48 50 रुपये के 10 अंडे, वाह ये भी बहुत सस्ता है, चीज़ें बहुत सस्ती हैं भाई। केक्स वगैरह हैं, इनका रेट भी कुछ 13 सोमोनी, पता नहीं कितने ग्राम का है, 400 ग्राम का ऐसा है। चीज़ें तो एक्सपेंसिव नहीं है। ब्रेड्स यहाँ के लोग बहुत खाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की ब्रेड मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कंट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, चीज़ें अच्छी हैं। वैसे यहाँ के लोग ना ये खाते हैं, ये वाली लोकल ब्रेड बहुत खाते हैं, इसको बोलते हैं नान, मेनली ये खाते हैं, कोई भी खाना खाएंगे साथ में ये ज़रूर चटकाते हैं, चाहे आधी आधी क्वार्टर में, जिस हॉस्टल में भी रुका हूँ तो हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, उसमें भी क्वार्टर ब्रेड इसका मिलता है और अंडे वंडे की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और ये पीछे की तरफ है यहाँ का अल्कोहल सेक्शन, काफ़ी बड़ी वैरायटी लगा रखी है। अल्कोहल को यहाँ बोलते हैं वीनो, थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं मुझे, रेट भी ज़्यादा महंगे नहीं है, मतलब वॉडका की बोतल अराउंड 300 ऐसे होगी, थोड़ा काउंटर दूर है, नहीं तो आपको रेट भी दिखाता। बाकी ये नीचे सारा नॉन वेज आइटम्स लगी हुई हैं, रॉ मीट वगैरह, और पीछे बढ़िया कलेक्शन है, इम्पोर्टेड भी है। इस साइड पर बियर्स लगी हुई हैं, इधर साइड पे अल्कोहल, वॉडका, वाइन्स, ऐसी पूरी वैरायटी है। थैंक यू वेरी मच। चीज़ें तो खूब देखी, लेकिन ली मैंने सिर्फ पानी की बॉटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। बाकी वैसे अपने लिए सामान की शॉपिंग कर रहे हैं, बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे मूव करना है यहाँ से, एक दो दिन में मैं किसी और जगह पे जाऊँगा, तो उससे पहले अभी की प्यास बुझानी थी, तो सिर्फ पानी लिया। पॉलीथीन बहुत यूज़ कर रहे हैं यार यहाँ पर, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। अभी इस मोड़ काटने की बात कर रहा था, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया एकदम से, बहुत तेज़ आवाज़ आई, खट 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 थी, और वो उसके डंडे लटक गए, वो देखो उसने डंडे नीचे कर दिए। बिना इसके तो ये मुश्किल चल पाएगी यार, चल पाती है, मुझे लगता था कि बिना इसके चल नहीं पाती, अब शायद ये थोड़ा इसका बैकअप होता होगा कि पेट्रोल वगैरह से चल जाती है। भाई डंडे नीचे करके जा रहा है, बाय बाय, बच गया तू। यहाँ पे कोई मास्क भी नहीं डालता यार, शुरुआत में मैं डाल के घूम रहा था, लेकिन सिर्फ मैं ही अलग लग रहा था, सब मेरे को ऐसे देख रहे थे कि जैसे मुझे ही कोविड हो रखा हो, मैंने उतार दिया। भाई भैया ने बताया था, मुराद भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक फूड जॉइंट है, तो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, और बता दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसी चीज़ें खाता हूँ, कैसे ज़िंदा रहता हूँ। ये आ गया शायद, ये आ गया, यही है। अदिन शर्मा बोलते हैं यहाँ पे चिकन को, तो वो वर्ड बहुत ज़रूरी याद रखो, क्योंकि नहीं तो आपको और किसी मीट का भी मिल जाएगा, तो उनको बोल दोगे कि चिकन वाला चाहिए, कुरिस्सा वाला चाहिए, तो वो आपको चिकन वाला ही देंगे। शॉर्मा आपने इंडिया में भी खाया होगा, सेम वैसा ही शॉर्मा होता है,
खसी का शौरमा, वैसा ही होता है सेम। ये है यहाँ पे, इसकी कॉस्टिंग है 10 सोमानी यानी कि 66 रुपीस। डिलीशियस सा लग रहा है, मज़ा आ गया भाई जी, मज़ा आ गया। तो भाई लोग देखा आपने कैसे, अभी मुझे ना सिर्फ 1 घंटा ही हुआ होगा, जैसे मैक्सिमम 1.5 घंटा, इधर मैं हॉस्टल से निकला हूँ और मैं वापस हॉस्टल पहुँचने भी वाला हूँ। तो इतनी देर में, पहले दिन में मतलब हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि कैसे लोकल लोग होते हैं, उनसे बातें की, आपको भी दिखाया, कितने फ्रेंडली थे यार लोग, स्पेशली वो लड़कियाँ बोल रही थी कि मुझे साथ में ट्रैवल करना है। देखते हैं बाकी, उसके बाद हमने यहाँ के रेट्स वगैरह भी देख लिए, खाना पीने का भी देख लिया, शौरमा भी खा लिया। तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा पहला एक्सपीरियंस दुशांबे ताजिकिस्तान के लिए के साथ, फर्स्ट क्लास। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, जाके थोड़े मोटे छोटे मोटे काम हैं वो निपटाने हैं, और उसके बाद आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे कहाँ कहाँ जाना है। 15 अगस्त भी आ रही है तो सोच रहा हूँ कि इंडियन एम्बेसी ज़रूर जाऊँ, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है तो अच्छी फीलिंग होगी। वो भी मैं हमेशा चाहता था कि किसी और कंट्री में इंडियन एम्बेसी जाऊँ 15 अगस्त को, तो आज मौका मिला है, आज नहीं मतलब 2 दिन बाद मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो टक करके लाइक बटन ज़रूर दबा देना, जैसे वो करता था ना उस मूवी में, टक से मौत को चकमा देके वापस आ जाता था, अब टक से लाइक बटन दबा दो और शेयर बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।